प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मशाला रैली को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही बयानबाजी को हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने बेबुनियाद करार दिया है। सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में कई विकास के कार्य किए हैं और केंद्र से प्रदेश को कई आर्थिक योजनाएं मुहैया करवाई हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था, लेकिन मोदी सरकार ने हिमाचल को वापस विशेष राज्यों में शामिल किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष हिमाचल को 9000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए हैं और कांग्रेस सरकार केवल घोषणा करना ही जानती है। कांग्रेस का काम घोषणाएं करना होता था, कुछ करना नहीं होता था। तो कांग्रेस को वो आदत पड़ी है कि 10 वर्ष घोषणाएं होती थी, मिलता कुछ नहीं था। मोदी जी ने घोषणा का इंतज़ार नहीं किया कि एक साल पूरा होने पर दूंगा। पिछले एक वर्ष में 9000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश को दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिए। कांग्रेस ने तो हमारा विशेष राज्य का दर्जा भी छीन लिया था, नरेंद्र मोदी जी ने आकर हिमाचल को वापस विशेष राज्य का दर्जा दिया। कांग्रेस ने हमें ना रेलवे लाइन के लिए पैसा दिया, मोदी जी ने आकर वो भी दिया। और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का मोदी जी ने कहा भी कि ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन, भानुपली बिलासपुर रेलवे लाइन और नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन, इन पर लगभग 15000 करोड़ रुपया खर्च होगा।